नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई की ताजा खबरें। भारत में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 महाराष्ट्र से ही मिले हैं, जिसको लेकर चिंता बढ़ गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, भारत किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना होगा। वही मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कन्याएं महिलाओं से 3.80 का अघोषित सोना किया जब्त। काफी पाउडर की बोतलों में रखा गया था। वहीं एसटी बसों का स्ट्राइक होने की वजह से निजी वाहन चालक दुगने पैसे वसूल रहे हैं। नासिक चर्च में पादरी ने की आत्महत्या की कोशिश, मौजूदा लोगों ने उसे बचाया, निकट के अस्पताल में भर्ती किया। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जलगांव में बने सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों से करने की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। महिला आयोग द्वारा कड़ा रुख अपनाने पर मंत्री को मांगनी पड़ी माफी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर निशाना साधा, कहा शिवसेना सत्ता की भूखी है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो फिलहाल आज किसी भी तरीके का दामों में परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन में अनुमति की बात करें, फिलहाल अभी सिर्फ 2 डोज वाले को ही अनुमति दी जा रही है, उनको ही सिंगल टिकट की सुविधा और पास मिल रहा है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।